हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के सब्जेक्ट साइंस में फर्स्ट चैप्टर विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने आज के टाइम में कितनी प्रोग्रेस की है, और मतलब जो भी हमारे दैनिक जीवन के जो भी कार्य हैं वो सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से ही कितने इजी हो गए हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ टॉपिक हैं, मतलब कुछ टॉपिक दे रखे हैं जिनके बारे में बताया गया है, जैसे संचार के क्षेत्र में जो भी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है कि मतलब किन किन क्षेत्रों में उसने प्रगति की है, जैसे संचार के क्षेत्र में, शिक्षा एवं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, मतलब एंड अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में, ठीक है, ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, मतलब इन विभिन्न क्षेत्रों में साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने क्या क्या कार्य किए हैं और आगे मतलब कितनी प्रोग्रेस होती जा रही है इसमें। ठीक है, तो इसी इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तो आपको बस इतना ही जानना है कि मतलब इन इन टॉपिक्स के बारे में, इन जिन जिन फील्ड्स में मतलब हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो भी कार्य किए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे जैसे सूचना, जैसे कम्युनिकेशंस के जो भी हैं, जैसे टेलीफोन है, कंप्यूटर है और मोबाइल है, ये सब हमारे किसके संचार के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे कंप्यूटर के द्वारा जो भी हमारी जैसे ई लर्निंग है, ठीक है, और इंटरनेट सर्विसेज हैं, इनके माध्यम से मतलब क्या है हमारी शिक्षा में भी, मतलब हमारी जो एजुकेशन है उसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है। अंतरिक्ष में मतलब जो भी हमारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के मतलब क्षेत्र है, जैसे कि बहुत से सैटेलाइट्स हैं और जो भी चीज़ें मतलब इसके इस फील्ड में आती हैं, रक्षा एवं प्रतिरक्षा जो भी हमारे हैं, और मतलब जो भी हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, और इसके इससे जो भी हमारी साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या क्या विस्तार किए हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में हम क्या करेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे कृषि है, कृषि मतलब पहले क्या होता था, पहले बहुत ही टफ होता था कृषि का कार्य करना, अब क्या है, अब बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स हो गए हैं जिनके माध्यम से क्या है हम अपनी कृषि का कार्य भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। फील्ड वर्क जो भी है, मतलब पहले हल मतलब जो भी खेत होते जोते जाते, अब क्या है, अब बहुत से मतलब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं। और फिर आते परिवहन, मतलब जो भी हमारे यातायात के साधन हैं उनके क्षेत्र में, उद्योग हमारे बहुत मतलब उद्योग के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट हुए, तो उद्योग में भी बहुत ज़्यादा मतलब हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से उद्योग में भी बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है और मतलब बहुत उन्नति हो रही है। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में हम संचार के क्षेत्र में मतलब एक एक टॉपिक लेके चलेंगे, उसके बारे में आपको समझाएंगे। ठीक है क्लास, थैंक यू।